मगर कुछ मशवरे बाहम न होगी तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले अगर हम लोग शादी में जल्दी नहीं करेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। सगे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया? घर, इज्जत, अल्लाह की रजा, इतनी बड़ी बड़ी चीजों से हमारे इतने से प्यार को छलनी कर दी। मैं दुश्मन नहीं हूँ आपके बेटे, पर आप मेरी दोस्त भी नहीं है। Really pretty in your hand. अम्मी मुझे मेरा फोन अभी इसी वक्त चाहिए वरना मैं इम्तियाज के साथ आज नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? आहिस्ता बोलिए, बहुत लोग हैं, सुन रहे हैं। सुनने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा टूटा हुआ फोन ही दे दें। मोहब्बत करने वाले कौन होंगे? मुझे तो लगता है आप किसी सब्जी मंडी गई हुई थी। अरे बेटा ये रस्म है, बेटी के ससुराल में जब आते हैं तो सीजन के सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं खाएगा अम्मी, अच्छा होता आप किसी गरीब को पैसे दे देती। सुहाना, ये आपके ससुराल के तौर तरीके हैं, इन्हें समझिए। अभी यहाँ के तौर तरीके पे अगर मैं चली ना तो मर जाऊंगी। इनका कुक मुझे लगता है कि किसी अंग्रेज फौजी के घर पे था। ऐसे ऐसे खाने बनाते हैं जो हम सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं और तस्वीरों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगता है ये घर नहीं हॉस्पिटल है। बेटा हेल्दी फूड खाते होंगे ना, और वैसे भी हेल्दी फूड खाने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। पुराने रईस है, आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए ना बेटा। अभी मैं यहाँ पे बीमारियों से नहीं मरूंगी, भूख से जरूर मर जाऊंगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सुहाना बीबी कहाँ पे? वो जी उनकी अम्मी आई नहीं, उनके साथ ऊपर हैं। साहब आपके लिए कुछ लेकर आऊं? मैं बताता हूँ। और वैसे भी पसंद उन्होंने मुझे किया था ना, मैंने तो उन्हें पसंद नहीं किया था, तो एडजस्ट भी वही करे, मैं क्यों करूँ। और वैसे आपको पता है सुबह 7 बजे उबला हुआ अंडा खाते हैं, रात को 10 बजे सो जाते हैं, और मैं सुबह 4 बजे तक जागती रहती हूँ, सांस भी नहीं ले सकती। सांस तो क्या, करवट बदलो तो उनकी आंख खुल जाती है। वैसे आपके दामाद तो मच्छर की भिंड से भी जाग जाते हैं। वैसे मुझे लगता है मेरी शादी ना किसी बुढ़े अंग्रेज फौजी की रूह से हुई है जो दूसरी जंग अजीम में मारा गया था। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, क्योंकि आपकी शिकायतें तो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। डर लगता है मुझे आपके नाशुक्रेपन से। अच्छा मैं जरा सितारा आपा से मिल लूं। वो घर पे नहीं है, शायद कहीं बाहर लंच पे गई हुई है। ठीक है मैं चलती हूँ, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। त्यास बेटा कैसे हो? आदाब मुमानी जान। जीते रहो, खुश रहो। I'm sorry बेटा, मैं बगैर इत्तला की आ गई। मुमानी जान कैसी बात करती हैं, आपका अपना घर है, आप चुप चाहे आ सकती हैं। वो मुझे स्टडी में कुछ काम है, मैं आपके साथ फिर बैठता हूँ थोड़ी देर में। आ जाइए। वो साहब के मोबाइल का चार्जर लेना है। हाँ वो अजीज भाई वहां पे सामने। वो अजीज भाई साहब खुद का है? मुझे उनके कुछ लोग आए हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। Thank you.
सब आप अगर यही हैं तो आपके लिए कुछ लेकर आऊं। वैसे भी पसंद उन्होंने मुझे किया था ना, मैंने तो उन्हें पसंद नहीं किया था, तो वही एडजस्ट करें, मैं क्यों एडजस्ट करूं उनसे? इसे मुझे लगता है मेरी शादी ना किसी बुढ़े अंग्रेज फौजी की रूह से हुई है जो दूसरी जंगे अजीम में मारा गया था। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ? जी मैं यहाँ, आप लीव पर थे उसी दौरान मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला और यहाँ आने के बाद पता चला कि आपका ऑफिस है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। किस डिपार्टमेंट में हैं? एचआर। अच्छा, वो मुझे आपको सॉरी भी कहना, जो कुछ आपसे सुहाना ने कहा उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सुहाना बहुत जज्बाती है और बचपन से जानती हूँ मैं उसे, उसके जहन से बचपना अभी तक गया नहीं और अभी तक बहुत चुगली और शरारती है। आजकल तो बहुत खामोश रहती है। खामोश और सुहाना, बस तो फिर किसी बड़े तूफान का इंतजार कीजिए, आप जानते नहीं हैं उसे। कमाल करती, बीवी है वो मेरी। मैं भी कजन हूँ उसकी, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ उसे। Best of luck. सुहाना मेरी जान, हकीकत ये है कि घर औरत ही बना, और रही है उम्र की बात, थोड़ा वक्त गुजरने दो, पता भी नहीं चलेगा, अहमियत नहीं रहेगी उम्रों के फर्क। दादी पसंद उन्होंने किया। हाँ, इस्तखारा आपने निकाला, हामी अम्मी और बाबा ने भरी, लेकिन घर में बना, घुट घुट के मैं जी। क्यों? अरे बेटा अभी दिन ही कितने हुए हैं, जुमा जुमा 8 दिन, थोड़ा वक्त गुजरने दो। और देखो कुदरत ने खास तौर पे उसे चुना है तुम्हारे लिए, हीरा है हीरा। बस बेटा मेरी इल्तिजा है तुमसे कि उसके रंग में रंग जाओ, पता है जान देता है तुम्हारे ऊपर। मुझे जान नहीं चाहिए उनकी दादी, मुझे अपनी आजादी चाहिए। करवट नहीं बदल सकती, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकती, अपनी मर्जी के शोज नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि मुझे गुलाम बनाना चाहते, रोबोट बनाना चाहते। अरे बेटा गुलामी करने में हर्ज क्या है, शौहर है तुम्हारा, हाकिम है। हमने तो बुजुर्गों से सुना है कि अगर दूसरा सजदा जायज होता तो शौहर यानी मजाजी खुदा को होता। अरे क्या हरज है फिर सारी उम्र तुम हाकिम रहना, हुक्म चलाना उसके ऊपर। तो सच्ची बात यह है बेटा कि हमें जो नागवार गुजरी है आपकी बात, वो ये है जरा जरा सी बात पे शौहर से पूछे बगैर घर से कदम बाहर निकालते, ये क्या बात हुई? अच्छा दादी आज मैं आपके साथ रुक जाऊं, कितने दिन हुए?
बिल्कुल नहीं। अच्छा ठहरिए, मैं सितारा से इजाजत ले लूं, उसे रिक्वेस्ट करूंगी। मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी जान, अल्लाह तुझे खुश रखे। बगैर बताए चली गई है, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। आप बताए ना, मैं क्या करूं? ये आप मुझसे कह रहे हैं, आप खुद कल रात को जाके स्टडी में लेट गए थे और वहीं सो भी गए सारी रात, और सुबह सुबह किसी को बताए बगैर आप ऑफिस चले गए। अब अगर वो बताए बगैर चली गई तो आपको बुरा लगे? आप अच्छी तरह जानती है मेरी पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, मेरा पूरा दिन घड़ी की सुइयों में बंधा होता है, उसकी तो घड़ी उल्टी चलती है। स्टडी में मैं जाकर इसीलिए सोया था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। ये आपका आपस का मियां बीवी का मामला है। बीवी दिन टीवी के आगे बैठी रहती है, स्नैक्स खाती रहती है, शोर मचाती रहती है। आप ही ने पसंद किया और ये सब कुछ मुझे अजीज ने बताया, वो तो कुछ भी नहीं बोली। क्योंकि वो अपने पूरे दिन का हाल अपनी मामा को फोन करके बता देती है। मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप इतने बड़े हो गए, आप भी तो अपने जी का हाल अपनी मामा से बता रहे हैं। आप जाइए और मेरी बहू को वापस आइए। Whose side are you on? सुनिए, there are no sides. I want my bahu back. आपको पता भी है कि क्या होने वाला है, हाँ? अरे मेरा तो बीपी हाई हो गया, लगता है कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, मर जाऊंगी मैं। मम्मी मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है? कसूर? सारा का सारा कसूर आपका है। अभी शादी हुई है आपकी और इम्तियाज जाके स्टडी में सो रहे हैं, आपको बताए बगैर वो ऑफिस चले गए। अरे नई नवेली दुल्हनों के दिल कहाँ लगते हैं शौहर के बगैर। अम्मी स्टडी में सोए थे ना, सड़क पे तो नहीं सोए थे। हैरत है वैसे, नींद कैसे आ गई आपको? हाँ मुझे तो नहीं आती। क्योंकि आप बाबा से मोहब्बत करते। बस 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 कीजिए। अम्मी बस क्या करूँ, ताकि आप मजीद मुझे लेक्चर दे कि निकाह के दो बोल बोलने से दो दिल मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इम्तियाज जहाँ थे वही है और रमीज जहाँ था वो भी वही है। खुदा के लिए बस कर दीजिए सुहाना, अगर उन्हें पता चल गया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अम्मी आपने मुझे शादी पे फोर्स किया, मैंने कर ली, लेकिन अब आप मुझे मोहब्बत पे फोर्स नहीं कर सकते। मैं भी इंसान हूँ, वक्त तो दें कम से कम, और आज मैं यहाँ पे रहूंगी। क्या दिमाग ठीक है आपका? घर है मेरा। अब इम्तियाज का घर ही आपका घर है, और अगर आप उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आई ना तो इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्या मतलब है आपका? अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए और जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। मैंने उन्हें फोन कर दिया था, वो आपको लेने के लिए आते होंगे, जाके अपना हुलिया दुरुस्त करें। इम्तियाज के आने की खुशी में शादी का जोड़ा पहन लूं, ये कहना चाह रही हैं आप? सुहाना मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। हद है यार, पुराने जमाने के लोग अब पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। कहीं खाना खाने चले? नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया था। को मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। स्टडी में मैं काम कर रहा था, आजकल काफी वर्कलोड है, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं हम लोग। नाराज हो मत। नहीं मैं क्यों नाराज होंगे? लड़ लो। आपसे क्यों लड़ूंगी इम्तियाज, आपका अपना घर है, आप जहाँ सोए, आपकी अपनी नींद है, जितना सोए, आपकी अपनी पसंद है, जो खाएं जो पिए, इस लड़ने वाली क्या बात है? तुम गलत समझ रही हो। मेरी समझ है ही बहुत छोटी और आप बहुत बड़े हैं। कुछ पुराना अंग्रेज फौजी जो दूसरी जंगे अजीम में मारा जा चुका, मोबाइल ऑफ कर दी।
12 बज गए हैं, अब आप सो जाएं। सुहाना। गुड नाइट। दिलों की उलझने बढ़ते रहे। अगर कुछ मशवरे बाहों न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले। ये लीजिए बीबी, आपका चाट मसाला। थैंक यू। चाट मसाला? वो बीबी को खाना जरा फीका लगता है ना? नहीं आप, अच्छा सही है। अरे पर जो बीबी को पसंद है आप वो पका दिया करें, पकवा दिया करो सुहाना, जिस चीज का मन हो, और मसाला वगैरह भी अपनी मर्जी का देख लो। मैंने तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, मैं क्या चेंज करूं। ऐसे करते सुहाना कि आप मेरे साथ चलें, हम सुपरमार्केट जाएंगे और जो आपको पसंद हो, जो मसाले आपने लेने हो वो आप खरीद के ले आइए, जो आपने खाना हो। हाँ लेकिन फुफू कल मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुकी हूँ। चलो किसी और दिन चले जाएंगे, ठीक है? थैंक यू अजीज। आई डोंट रियली नो अम्मा के चाट मसाले के साथ खाने का जायका कैसा होगा। चाट टेस्ट करता होगा, असल में सुहाना को आदत है ना जरा तेज मसाले वाले खाना खाने की। We need to talk. सुहाना मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या करते? Why are you so upset? मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मजीद एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपके सारे काम वक्त पे करूँ और आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं। बीवी हो, मेरी सबॉर्डिनेट नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे तुम वैसे करो, जो चीज तुम्हें बॉदर कर रही है उसे चेंज कर दो। चेंज कर दो? यहाँ पे सब इतना परफेक्ट है, कैसे चेंज? सुहाना, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर अपसेट। ओके, अगर मान भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्लॉक मेरी क्लॉक से मैच नहीं करती, इसलिए मैंने अपनी क्लॉक तोड़ दी है ताकि आपकी क्लॉक के हिसाब से चलूं, क्योंकि आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अगर हम दोनों चाहें तो हम, अगर हम दोनों नहीं, आप सिर्फ मुझे हुक्म दे, मुझे चॉइस ना दे, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं और मैं एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। सुहाना तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मैं तुम्हें कुछ और नहीं बनाना चाहता। And I know I have an odd routine. और मुझे उस routine को तोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं perfect हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद बेहतर हो सकूँ, एक अच्छी बीवी बन सकूँ। बात करूं सुहाना इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब यही जिंदगी है सुहाना, हम जब अपनी पतंग किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं तो फिर उसकी मर्जी है वो पतंग को लेके उड़े, काटे या किसी दरख्त में तार तार होने के लिए छोड़ दे। ये जो तुम माँ बाप करती रहती हो ना, अगर उनका बस चले तो वो ख्वाब भी हमें अपनी मर्जी के दिखाए। ये हमारी अपनी जिंदगी, इसको हमने अपने रूल्स पे जीना है, माँ बाप के नहीं। जब इसकी हार जीत का फैसला डायरेक्ट हमें असर करता है तो इसमें माँ बाप का क्या ताल्लुक? लड़की हो ना इसलिए ये सब बोल रहे हो। मैं लड़की हूँ इसलिए ये सब नहीं सोच सकती। ढील दो थोड़ी, कर दी ना फजूल बात। जब हमारी मौत एक जैसी है तो जिंदगी जीने का ढंग क्यों अलग अलग हो? और वैसे भी स्वीट हार्ट, जो डर गया वो मर गया। Did you see that? ये नहीं, काट दी। बो काटा कहते हैं कि दिल हुआ बो काटा। या या, दिल हुआ बो काटा। ओ हेलो हेलो, तो कट गई ना, इसको खींचो। हेलो हेलो हेलो, इसी तरह चलेंगी? हाँ क्यों? सब एक फॉर्मल डिनर है, आई थिंक उस हिसाब से आप थोड़ी अंडर ड्रेस्ड हैं। इम्तियाज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप अकेले चले जाएं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मोहब्बत करने वाले बस क्या करूं, ताकि आप मजीद मुझे लेक्चर दे कि निकाह के दो बोल बोलने से दो दिल मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इम्तियाज जहां थे वही है, और रमीज जहां था वो भी वही है। बेगम साहिबा बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए, इसलिए मुझे भेज दिया। बस इसीलिए परेशान हो रही थी कि कहीं मैं रमीज से अभी तक कांटेक्ट में तो नहीं, कहीं मैंने उनके सर की कसम को तोड़ तो नहीं दिया। बस यही बात हर वक्त उनको तंग करती रहती, और कोई वजह नहीं। नहीं अतीत, ऐसी कोई बात नहीं, आप जिद पर हो, मैं समझ रही हूँ। एक बात बताओ मंजूर, तो आज तक इम्तियाज की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि दुनिया के बोर तरीन आदमी, तो जिस बंदे ने जिंदगी में थोड़ी देर के लिए भी इश्क ना किया वो आदमी हो सकता है भला? और ये सारी जो बातें थी ना फरिश्तों वाली, इस जन्नत में आके सारी फुर हो गई थी। आप तो उनके साथ रह रही हो ना, किस लिए? इसलिए कि आप उनको बदलो। मेरा मंजूर भी नशा करता था, लेकिन उसने छोड़ दिया मेरे लिए। तुम जानती हो क्यों? वो तुम्हारा मंजूर था, तुम उसकी मंजूरा। सुहाना इम्तियाज की नहीं, सुहाना सिर्फ रमीज की। निकाह के दो बोल मियां बीवी के लिए गोंद के काम करते, आप अपने दिल के दरवाजे खोल दो ना उनके लिए। आप उसे दिलशिद की बातें मत किया करो, मेरे दिल में अभी भी रमीज रहे। लेकिन अदी, रहना तो आपको इम्तियाज भाई के साथ ही है ना। अगर रमीज के साथ नहीं रहना, इम्तियाज के साथ रहूं या अकेले रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ अंदर से। यार अब रिजल्ट आ गया तो जॉब भी मिल जाए। वैसे सुहाना हम सब में अच्छी रही है, रिजल्ट आने से पहले उसकी शादी हो गई है। अच्छा तुमने वो लेक के पास जो बैंगलोर है वो देखा है ना, उसका नया घर है। वो इतनी अजीब हो गई है रमीज की, अब वो बुलाती ही नहीं है घर पे। पहले कैसे हम सब उसके घर बैठे रहते थे। हम नहीं तुम। हाँ तो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, तुम बार बार उसकी बातें मेरे सामने क्यों करती हो? वैसे ही वैसे ही नहीं,
उस दिन काया के सामने भी तुम चुप नहीं हो रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना चाहते रमेश? तुम्हें क्या लगता है सब अंधे हैं? बाकी सब होंगे लेकिन मैं नहीं हूँ। सर एटलीस्ट तुमने एक बात तो अच्छी की कि उसका नाम किसी के सामने नहीं लिया। मुझे उसी दिन पता लग गया था जब मैंने उसको तुम्हारा गिफ्ट दिया था। एकदम इमोशनल हो गई थी। अगर मैं उसे गले लगा लेती ना तो वो रोना शुरू कर देती। रोई थी वो? नहीं, लेकिन आंखें सूजी हुई थी उसकी। वो तो अब सारी जिंदगी सूजी रहेंगी। तुमने उसके घर रिश्ता भेजना भी था या नहीं? उसे पैसे चाहिए थे, लेक के पास बंगला चाहिए था। वो कोई अमीर ज्यादा दे सकता है, मैं नहीं। अच्छा सीवी बन गई तुम्हारी, मैं ईमेल कर देता। दिलों की उलझन बढ़ते रहे। Let's just say the only wand that ever saw any action was this one. Oh, look what my mom made us for the act. Oh, I like the fabric. Where'd she get it? Well, she cut up one of her old bathing suits. She made these two vests and half a dozen naps. Hello, Suhana. कैसा गुजरा आज का दिन? बस कल जैसा नहीं था। जाहिर बात है कल मंडे था, आज ट्यूसडे। मेरे तो सारे दिन एक जैसे। सॉरी, कुछ कहा तुमने? नहीं, आप शायद कुछ कह रहे थे। ये कहा तो नहीं था लेकिन कहने वाला था। मेरे ऑफिस का एक ऑफिशियल डिनर है। ठीक है, मैं कपड़े निकाल दूंगी आपके लिए। सिर्फ मेरे नहीं, अपने भी निकालो, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं इम्तियाज, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? मुझे नहीं जाना वहाँ पर, प्लीज। अरे मेरे बाकी कॉलीग्स की बीवियाँ भी आई होंगी, तुम बोर नहीं होंगी। Come on, I want you to go with. वेरी ग्लैड आप दोनों इकट्ठे खाने पे आ जाए, वरना बेचारी अकेली रहती सारा दिन घर में। और आपने बहुत ज्यादा किए, आपने अपनी हनीमून आपने कैंसिल किया, फिर आपने छुट्टी अपनी कैंसिल की, ऐसा तो नहीं? यहाँ आपने इनको फर्नीचर के पीस की तरह ला के रख दिया। ऑफ ऑल द पीपल आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये नजर आता है। आपको अच्छी तरह पता था कि शादी कितनी जल्दी में हुई है, काम का लोड बहुत था उन दिनों। एंड यू नो माय वर्क रूटीन। वो सब नीचे कर चलें। आप इसी तरह चलेंगे? हाँ क्यों? इट्स अ वेरी फॉर्मल डिनर रमा। आई थिंक उस हिसाब से आप थोड़ी अंडर ड्रेस्ड हैं। चेंज कर लेंगे। मैं अच्छे तो थे। प्लीज आप मुझे बता दें मैं किस दिन कौन से कपड़े पहना करूं। पूरे हफ्ते का खाना आप डिसाइड करते हैं, कौन किस वक्त सोएगा, कब उठेगा वो आप डिसाइड करते हैं, मेरे कपड़े भी प्लीज डिसाइड कर लें। You're taking it all wrong. तुम्हें सब कुछ करने की आजादी है। प्लीज आप मुझे बता दें मैं क्या पहनूं। Are you doing this? ये मेरी इंटेंशन नहीं थी। चलो हमें देर हो गई। ठीक है, अगर आपको इतनी देर हो रही है तो आप खुद ही चले जाएं। सुहाना, है ओनली सेट कि ये कपड़े वहां के लिए मौजूद नहीं है। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्कुरा के आपको कह रही हूँ कि आपने जाना है तो आप अकेले चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
इम्तियाज मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप अकेले चले जाएं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? ये पहन लीजिए। Waiting for you downstairs. मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, जमाने भर के खुम या एक तेरा होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। सब मेरे सीनियर कॉलीग्स हैं, बट दे आर वेरी फ्रेंडली। अशरफ साहब तो कहे थे कि मैं बहुत लकी हूँ। तुम बहुत खामोश थी सुहाना। मैं क्या बात करती, सारे लोग मुझसे इतने बड़े थे और अपने बड़े बड़े बच्चों का जिक्र कर रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बात तो तुम मुझसे भी नहीं करती सुहाना। मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। कहाँ गई वो सुहाना जिसको मैंने पसंद किया? नहीं, मैं वैसी नहीं बनना चाहती। मुझे वैसा बनना है जैसा आप चाहते हैं, या फिर जैसे आप हैं। वैसे भी शादी से पहले हर लड़की कच्ची मिट्टी का मुजस्मा होती है। जैसे शोहर उसको अपने सांचे में ढालना चाहे उसको वैसे ही ढल जाना चाहिए, तब जाके औरत मुकम्मल होती। मुझे भी मुकम्मल हो जाने दे, इसमें आप ही का फायदा। Who said that to you? Mrs. Ashraf, आज ही डिनर पे खाऊंगी। अच्छा, 11 बज गए, बहुत लेट हो गया, आप सो जाए, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। Saturday है, छुट्टी है। तो फिर मैं अपना शो देख लूं आज। श्योर, बट आई थॉट हम लोग बात करते हैं बैठ के। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। चलने दो। मैं बंद कर देती हूँ, आपको नींद आ रही है। I want to watch your show with you. लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्या तुम समझा देना? क्या हुआ इस एपिसोड से पहले? मैं बार बार चैनल चेंज करती हूँ, आप बोर हो जाएंगे। तुम भी तो मेरे साथ बोर होती हो। आज हम दोनों बोर होंगे। क्रिस्प्स हैं, कुकीज हैं और
chocolate. जी आपने कर दी. Magic. Thank you. मुझे भी दो थोड़ी सी. आपका पेट खराब हो जाएगा. Magic linked together. Yet my fiance is wearing a magic ring too. It made all my money disappear. And now, the गुड मॉर्निंग. लेकिन आज तो अपने ऑफिस नहीं जाना था. हाँ ऑफिस तो नहीं जाना, लेकिन एक छोटा सा काम है, घंटे भर में वापस आ जाऊँ. तो आप मुझे उठा देते. क्यों भाई, तुम इतने आराम से सो रही थी, क्या जरूरत. अच्छा मैं आपकी शूज ले रहा. क्यों सुहाना, मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे जूतों मूतों का हाथ मत लगाया कर. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है. मुझे पड़ता है. I don't want कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम छोटी और मैं बड़ा हो जाऊं. ये सब पुराने वक्तों की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बात पुराने नए वक्तों की नहीं है, बात एक दूसरे को एक जैसी इज्जत देने की है. रिस्पेक्ट कर, इक्वालिटी. आप हमेशा ऐसे सोचते हैं. या जाओ फ्रेश हो जाओ. भाई भी क्या करते हैं, आप मुझसे नाराज होंगे, वो समझेंगे मैंने ये सब बनवाया है. मोहब्बत करने वाले कौन होंगे. ये प्यार मोहब्बत ये सब कुछ वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. कहते हैं कि जहाँ पे लॉजिक खत्म होती है वहां से इश्यू होता है. खत्म कहाँ होता है. जिंदगी खत्म होती है, इश्क खत्म नहीं होता. तुम मेरा साथ कैसे दे सकती हो जब तुम अपने खुद के साथ नहीं. तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता. अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता. इस्लाम में पसंदीदगी की शर्त तो है पर मोहब्बत की कोई शर्त नहीं है. मोहब्बत करने वाले